मतलब हेलो YouTube फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो ये है मेरी ट्रैवल सीरीज का पार्ट 3, और मुझे पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 डालने में मैंने काफ़ी देर कर दी है, बट मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और अब हम लोग वहाँ से निकल के, यानी कि अपनी दीदी के घर से निकल के, पापा जी के पैटर्नल हाउस में जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी दोनों बेटियों ने। तो ये है किड्डू और ये है प्रीशा, और ये धैर्य पीछे बैठे हुए हैं। ये लोग मेरे ब्लॉग में हेलो बोल रहे थे। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ जो फ़ोन पे बात कर रही हैं, और मैं आगे देखे बैठी हूँ शिवान्या को, वो सो रही है। तो फिर हम लोग वहाँ पे देखे कितना डेकअप होके आए हैं, साड़ी वाड़ी पहन के प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पहली बार जा रहे थे और हमको देखने, हम लोगों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी इनफैक्ट पहली बार जा रही थी। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गांव में गर्मी थी, एकदम पीक सीज़न इस समय समर का चल रहा है, तो इतनी गर्मी में फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो मेरे को ब्लॉग डालने में इसीलिए लेट भी हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे कोई वीडियोस मिलेंगे, अगर किसी और ने भी बनाए होंगे तो मैं अटैच कर दूंगी, बट इनफैक्ट कोई भी गांव का ऐसा वीडियो नहीं बना पाया। तो ये जो जब हम लोग जस्ट वहाँ पे पहुँचे थे और मिठाई वगैरह ले रहे थे घर जाने के लिए, उसके पहले का वीडियो है जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे और जस्ट गाँव की तरफ एंटर करने जा रहे थे। तो ये बस इनिशियल वो वीडियो, यहाँ से निकलने के बाद में फिर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इनफैक्ट 2 दिन तक स्टे किए थे और गांव में बहुत मज़ा आया। हम लोग आम के बगीचे में गए, हम लोग बहुत जामुन के बगीचे में गए, और हम लोग काफ़ी सारे बगीचे में गए और घूमे, बहुत मज़ा आया। अच्छा। अब देखिए ये सीन है, ये मम्मी जी के जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनके पैटर्नल हाउस का ये गांव का ये सीन है। और ये मंदिर अभी मम्मी जी के घर की तरफ से बनाया गया था, तो हम लोग सबसे पहले उनके यहाँ, मम्मी जी मदर इन लॉ के यहाँ ना कोई एक शादी थी जिसमें हम लोग गए थे, तो शादी में जाने से पहले हम लोग ये जो मंदिर बना था उसको देखने के लिए आए थे। और फिर ये मंदिर के पीछे एक रिवर है, जो रिवर अभी उसमें पानी नहीं है, बट हम लोग इसीलिए वो रिवर देखने आए थे। वो सीन बड़ा ही अच्छा लगता है, मम्मी जी ऐसा बता रही थी, तो हम लोग वो देखने आए थे पीछे मंदिर के पीछे। तो ये देखिए ये है वो मंदिर, और ये सीन्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आजकल सिटीज़ में तो ऐसे सीन देखने को मिलते ही नहीं है, इट इज़ वेरी रेयर। तो मैंने इनको शूट कर लिया ताकि आप लोग को देख के अच्छा लगे। ये रहा पूरा मंदिर, मंदिर के साइड में है एक बरगद का पेड़, और उसके चारों तरफ चबूतरा बनाया गया है जिसके चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर से दर्शन करने आने के बाद। ये देखिए ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, ये है ब्रदर इन लॉ, ये उनके बच्चे, ये रहे धैर्य। और अब हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद में मदर इन लॉ के घर जा रहे हैं, वहाँ पे एक शादी है उसको अटेंड करेंगे। उसके बाद में मदर इन लॉ तो यहीं पे रुक जाएंगी, वो पूरी शादी अटेंड करेंगी, और हम लोग वहाँ आसपास के एरिया में घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो मैंने जो छोटे मोटे वीडियोस बनाए हैं आसपास के एरियाज के साथ, वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, ये देखिए पैसेज था एक, बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। अब हम लोग वहाँ से एक पास में एक मंदिर है, अंबिका भवानी जी का मंदिर, तो फिर हम लोग वहाँ पे आ गए थे। ये देखिए मंदिर के पीछे ये गंगा जी हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रही थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बोट्स थी, तो हमने सोचा सबसे पहले बच्चों को ये सारा एरिया दिखा देते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा। फिर बच्चों ने 5 मिनट यहाँ पे खड़े होके देखा, सब अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमें लगा कि अभी अगर इन लोग को अंदर ले गए तब तो फिर फंस जाएंगे, फिर ये लोग निकलेंगे नहीं वहाँ से इतनी जल्दी। तो फिर हम लोग उधर रिवर में नहीं गए, उन लोग को मना के ले आए अंदर, बाद में चलेंगे करके। और कमर्शियल नहीं है बेटा, कुछ नहीं वीडियो। ये देखिए सौरू सवारी कर रही हैं, मज़ेदार सवारी।
अपने वोटिंग नहीं हो रही है बेटा यहाँ पे। चलिए एक पानी तो दे दो। अब वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे लिया हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो माता जी को यहाँ पे चुनरी चढ़ती है, तो हम लोगों ने लिए चुनरी और बाकी सजावट का सामान और प्रसाद। फिर ये है मंदिर का एंट्रेंस, देखिए अंबिका स्थान लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, देखिए ये एक शिव जी की बहुत अच्छी प्रतिमा है अंदर। तो ये हो गए हमारे मंदिर के दर्शन, हमने पूरे किए। फिर यहाँ पे सारे बच्चों ने कलावा बांधा और भभूत वगैरह सब कुछ, भभूत का टीका लगाया। मंदिर के दर्शन पूरे करने के बाद में फिर हम लोग चले गए फिर से अपने घर, यानी कि पापा जी के घर में। और फिर मम्मी जी तो ने शादी वगैरह अटेंड करके वो रात में वापस लौटी थी, फिर उस रात हमने वहीं पर स्टे किया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए थे लखनऊ के लिए, यानी कि मेरे मायके के लिए। तो फिर यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे लखनऊ, और लखनऊ में हम लोग कहाँ कहाँ घूमें ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये ट्रिप बेसिकली पूरी मंदिर वाली ट्रिप हो गई है, हमने हर जगह के मंदिरों को एक्सप्लोर किया। तो हम मेरे सारे विजिट्स को देखने के लिए व्लॉग में बने रहें, और अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।